फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारिकास कुकिंग डायरी। उत्तपम के लिए यहाँ पर मैंने 3 कटोरी जितना होममेड बैटर लिया है। आप मार्केट में मिलने वाला रेडीमेड बैटर भी ले सकते हैं। वैसे ही अगर आप घर पर बैटर बनाना चाहते हो तो बैटर रेसिपी का वीडियो मैंने पहले बनाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या फिर इस वीडियो के एंड में बैटर की रेसिपी को फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया है। तो चलिए फिर उत्तपम बनाना शुरू करते हैं। अब इस बैटर में हम कुछ सब्जियां डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 2 चम्मच छोटे टुकड़ों में कटे हुए टमाटर डाल लेते हैं। उसके बाद डालेंगे 2 चम्मच छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, 2 चम्मच छोटे टुकड़ों में कटा हुआ कैप्सिकम, 2 चम्मच बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, 2 हरी मिर्च को भी मैंने छोटे टुकड़ों में कट करके लिया हुआ है, तो इसे भी बैटर में डाल लेते हैं। अब डालेंगे 2 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया, 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम इस तरह मसल कर डालेंगे। कसूरी मेथी को आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब स्वाद के अनुसार नमक डाल लेते हैं और फिर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए उत्तपा के बैटर की कंसिस्टेंसी को इतना गाढ़ा रखना है। उत्तपम बनाने के लिए बैटर रेडी है, तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ गैस पर मैंने नॉनस्टिक तवे को गरम करने रख दिया है। तवा गरम हो चुका है तो तवे पर हम 1/2 चम्मच जितना तेल डाल लेते हैं और टिश्यू पेपर से तवे को तेल से इस तरह ग्रीस कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने जो बैटर रेडी करके रखा है उसे फिर से थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें से थोड़े मिश्रण को लेकर तवे पर डालकर फैला लेते हैं। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे और उत्तपम को ढक देते हैं, जिससे उत्तपम में हमने जो सब्जियां डाली है उन्हें पकने में आसानी हो जाएगी। बस 5 मिनट तक इसे हम ढककर पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं तो ढक्कन हटा देते हैं और अब इस उत्तपम पर हम 1 चम्मच घी डालकर हल्का सा फैला लेते हैं और उत्तपम को पलट लेते हैं। अब फिर से उत्तपम के इस तरफ भी 1 चम्मच घी डालकर फैला लेते हैं और ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। 4 मिनट हो चुकी है तो ढक्कन हटा देते हैं। उत्तपम में हमने जो सब्जियां डाली है वो अब अच्छे से पक गई है, तो अब उत्तपम को हल्के हाथ से स्पैटुला से प्रेस करते हुए हल्का क्रिस्पी होने देते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम लो रखकर दोनों तरफ से पलटते हुए इस प्रोसेस को हमें करना है। तो जब तक उत्तपा क्रिस्पी हो रहा है, तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और हाँ, बेल आइकन पर भूले बिना जरूर प्रेस करें। उत्तपा दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है, तो उत्तपा के एक तरफ हम चीज ग्रेट करेंगे, जिससे हमारा उत्तपा चीज उत्तपा बन जाएगा। वैसे भी बच्चों को चीज बेहद पसंद आता है। अब इस उत्तपा को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी तरह हम दूसरा उत्तपा बनाएंगे, पर इस बार हम इस उत्तपा को विदाउट चीज के बनाएंगे।
हमारा ये उत्तपा भी बन गया है, तो इसे हम दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह हमने चीज उत्तपा और विदाउट चीज उत्तपा बना लिया है। आप इस उत्तपा को चाय के साथ, नारियल की चटनी के साथ या फिर टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप भी नाश्ते में जल्दी से बनने वाला ये उत्तपा जरूर ट्राई करें, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो मुझे वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।